जी देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 31 है, मोर ऑन फार्मा लिमिट। तो हमने क्या करना होगा कि लिमिट इसमें फाइंड करनी होगी। तो देखें ईच ऑफ एक्सरसाइज 31 to 36 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हमारे पास एक फंक्शन दिया जाएगा एफ ओफ एक्स, जैसा कि देखें क्वेश्चन नंबर 31 में एफ ओफ एक्स की वैल्यू दी गई 3 - 2x, ठीक हो गया। उसके बाद देखें अब पॉइंट दिया जाएगा एक्स नॉट, जैसा कि देखें एक पॉइंट दिया गया एक्स नॉट, एक्स नॉट की वैल्यू दी गई 3। उसके बाद एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन दिया जाएगा, जैसा कि देखें पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन दिया गया 0.02। फिर उसके बाद हमें फाइंड करना होगा कि नंबर एल, एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नॉट एफ ओ एक्स, यानी कि बेसिकली हमें क्या करना होगा कि इसमें देखें एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ ओ एक्स फंक्शन इसमें पुट करना होगा। जैसा कि ये फंक्शन दिया जाएगा ना एफ ओ एक्स, इसमें कहा है उसने कि एफ ओ एक्स फंक्शन दिया जाएगा, तो इसमें हमने एफ ओ एक्स फंक्शन की पुट कर देना होगा। फिर एक्स टेंड टू एक्स नॉट की वैल्यू जो जितनी दी गई होगी उसकी वैल्यू यहाँ लिखनी होगी। फिर उसमें हमारे पास ये जो फंक्शन दिया गया एफ ओ एक्स, उसमें एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर देनी होगी, यानी कि जहाँ हमारे पास इस फंक्शन में एक्स होगा उसकी जगह हमारे पास ये फंक्शन एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास नंबर एल की वैल्यू हासिल होगी। फिर उसके बाद हमें फाइंड करना होगा नंबर, यानी कि डेल्टा, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, यानी कि डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव हमने हासिल करनी होगी सच डेट फॉर ऑल एक्स। अब उसके बाद देखें ये दो फार्मूलाज हैं, इन दो फार्मूलाज की मदद से हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें मैं हमने ये फार्मूला यूज़ करके सबसे पहले नंबर एल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है, तो मुझे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखें लिखें सोल्यूशन, उसके बाद एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नॉट और ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया, तो मैं वैल्यू उसको पुट कर देता हूँ ताकि मेरे पास एल की वैल्यू हासिल हो जाए। तो एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नॉट, एक्स नॉट की वैल्यू देखें 3 है, तो यहाँ मैं 3 पुट कर देता हूँ, और एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखें गिवन है 3 - 2x के, तो यहाँ पुट करें 3 - 2x के। अब देखें जहाँ हमारे पास x होगा उसकी जगह मुझे 3 पुट करना पड़ेगा, तो 3 - 2 × x की जगह 3 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 - 6 इसका l का आंसर हमारे पास -3 के इक्वल आएगा। अब हमने देखें नंबर l हमारे पास है पर एप्सिलॉन है पर x नॉट है पर f ऑफ x है पर। अब इन दो फार्मूलाज को यूज़ करके हम डेल्टा की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। वन है ये मेरे पास, देखें स्टेप वन में हमारे पास फार्मूला होता है कि f ऑफ x माइनस l और ये मार साइन में लेस देन होता है हमारे पास पॉजिटिव एप्सिलॉन क्या वैल्यू, उसको हम पुट करते हैं। देखें f ऑफ x की वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है 3 - 2x और माइनस l की वैल्यू हमने हासिल किया -3, तो माइनस और माइनस पॉजिटिव 3 हो गया जी। और उसके बाद लेस देन एप्सिलॉन की वैल्यू भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, वो 0.02 दी गई है। उसके बाद देखें हमारे पास बनेगा 6 - 2x और ये लेस देन है 0.02 की। अब हमारे पास फार्मूला होता है कि देखिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि किसी भी हमारे पास वेरिएबल का मार्स है वो लेस देन हो किसी भी कांस्टेंट के, तो वो इक्वल होता है माइनस कांस्टेंट लेस देन वेरिएबल लेस देन पॉजिटिव कांस्टेंट के। तो ये फार्मूला मुझे यहाँ यूज़ करना होगा। तो देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस 0.02 लेस देन 6 - 2x लेस देन पॉजिटिव 0.02 के। तो देखिए मुझे इस x को ख़त्म करना है, तो x को ख़त्म करने के लिए हर तरफ मुझे -6 ऐड करना पड़ेगा। जब इसमें -6 सब्ट्रैक्ट करूँगा तब मेरे पास इसका आंसर बनेगा -6.02 और ये लेस देन है 6, और -6 खत्म हो गया और ये -2x लेस देन, जब 0.02 और -6 जब मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा तब मेरे पास इसका आंसर बनेगा -5.98 के। उसके बाद देखें अब हमारे पास हमें क्या करना है कि इस 2 को ख़त्म करना है, तो 2 को ख़त्म करने के लिए इस इक्वेशन को 2 पर डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 2 पर डिवाइड करना पड़ेगा और उसको भी 2 पर डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए जब इसको मैं 2 पर डिवाइड करूँगा तब मेरे पास इसका आंसर 3.0 और ये 2 है तो 1 के इक्वल आएगा, और ये हमारे पास -x यानी 2 से 2 ख़त्म हो गया, और यहाँ पर हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा 2.99 के इक्वल आएगा। जी हाँ वैल्यू चाहिए एक्स की, तो माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस को खत्म करने के लिए मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तब इसका आंसर 3.01 के इक्वल आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, अगर ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन होगा, और ये -x है तो ये देखें -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव एक्स, और ये लेस देन है साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो ग्रेटर देन, और ये 2.99 के इक्वल आएगा। अब इस स्टेटमेंट को मैं कुछ इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, देखें 2.99 लेस देन एक्स लेस देन 3.01। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब स्टेप 2 में हमारे पास फार्मूला होता है, करते हैं स्टेप 2 के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि एक्स माइनस एक्स नॉट और ये मॉड साइन में होता है लेस देन होता है पॉजिटिव एप्सिलॉन के। अब यहाँ देखें एक्स में पुट कर देता हूँ, एक्स नॉट की वैल्यू देखें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है 3, तो 3 पुट कर दिया और ये लेस देन है पॉजिटिव एप्सिलॉन के। अब देखें हमारे पास में फार्मूला होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का, इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस 3 और लेस देन पॉजिटिव डेल्टा के। मुझे यहाँ वैल्यू चाहिए एक्स की, -3 नहीं चाहिए, तो हर तक मुझे पॉजिटिव 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 3 - डेल्टा लेस देन एक्स और ये -3 और पॉजिटिव 3 कैंसिल आउट हो गए और ये 3 + डेल्टा हो गया। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं आपस में कंपेयरिंग कर देता हूँ। तो देखिए मैं लिखता हूँ कंपेयरिंग, कंपेयर इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंपेयर कर देते हैं। तो देखें हमारे पास 2.99 बेसिकली इक्वल होगा 3 - डेल्टा के। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि देखें 2.99 इज इक्वल टू 3 - डेल्टा के, और यहाँ से 3 + डेल्टा इज इक्वल होगा हमारे पास 3.01 के।
मेरे पास डेल्टा की जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 0.01 के, और यहाँ से जो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू हासिल होगी वो 0.01, दोनों में हमारे पास डेल्टा की वैल्यू सेम हासिल होगी। तो अब हम इसमें यहाँ लिख सकते हैं कि आइदर केस किसी एक हालत में देखें, इन आइदर केस जो डेल्टा की वैल्यू है वो बेसिकली इक्वल है 0.01 के। अब हम अगर आप गौर से देते हैं तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उसने कहा था कि डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है जी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 31 की तरह सेम। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है -3x -2, एक्स नॉट की वैल्यू -1 दी गई है, एप्सिलॉन की वैल्यू 0.03 दी गई है। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है कि नंबर एल की वैल्यू को फाइंड करना हो तो एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। यहाँ से देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने ये गिवन थी तो यहाँ पुट कर दी। अब हम देखें ये एक्स नॉट की वैल्यू -1 दी गई है तो ये -1 को पुट कर दिया। अब इस इक्वेशन में जहाँ एक्स होगा उसकी जगह मुझे -1 रखना होगा, जब -1 रखेंगे तब आंसर हमारे पास बनेगा 1। अब हम जानते हैं कि स्टेप वन में हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल और रिमोट साइन में लेस देन होता है पॉजिटिव एप्सिलॉन के। अब देखें एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन थी तो यहाँ पुट कर दी, और ये माइनस एल की वैल्यू हमने जो फाइंड की है वो 1 के लिए, तो यहाँ 1 पुट कर दिया। एप्स लेस देन है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू देखें 0.03 दी गई है, वो यहाँ मैंने पुट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर फार्मूला होता है, देखें -3x -2 और -1 बेसिकली इक्वल हो गया -3 के। अब हमारे पास फार्मूला होता है कि मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ कि अगर एक्स का मॉड साइन हो और वो लेस देन हो किसी भी कांस्टेंट इंटरवल के तो वो बेसिकली इक्वल होता है माइनस कांस्टेंट लेस देन पॉजिटिव एक्स लेस देन पॉजिटिव कांस्टेंट के। सेम ये फार्मूला मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने 0.03 < -3x -3 < -0.03 के। अब देखें इस -3 को खत्म करने के लिए हर तरह मुझे पॉजिटिव 3 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ देखें मुझे 3 ऐड कर दिया और यहाँ भी मैंने 3 ऐड कर दिया, -3 और +3 कैंसिल आउट हो गया। 3 - 0.03 बेसिकली इक्वल होगा 2.97 के, और लेस देन -3x लेस देन देखें 3 को जब हम ऐड करेंगे 0.03 में तो इसका आंसर बनेगा 3.03 के। 3 को खत्म करने के लिए हर तरफ इक्वेशन को 3 पर डिवाइड करना पड़ेगा, जब इसको मैं 3 पर डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर 0.99 के इक्वल आएगा, लेस देन -3x है। जब इस इक्वेशन को 3 पर डिवाइड करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको जब मैं 3 पर डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर 1.01 के इक्वल आएगा। अब देखें -0.99 है, अब मुझे क्या करना है कि इस इक्वेशन को मुझे यहाँ वैल्यू चाहिए एक्स की, -x नहीं चाहिए, तो -x को खत्म करने के लिए हर तरफ मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को। जब हम इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तब ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो गया, और इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.99 हासिल होगा, और ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस पॉजिटिव हो गया। अगर ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन को, और उसके बाद देखिए -1.01 के इक्वल आएगा। अब हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1.01 को पहले लिख दिया और ये लेस देन एक्स लेस देन 0.99 के। अब ये मेरे पास इक्वेशन 0 < x - x0 और ये लेस देन होता है मेरे पास डेल्टा के, तो बेसिकली 0 को लिखते नहीं है कि x - x0 की वैल्यू क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है -1 है, तो माइनस और माइनस पॉजिटिव 1 हो गया और लेस देन डेल्टा के। यहाँ से इसे मैं अगेन वाला एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ कि -delta > x+1 < +positive delta। अब इस पॉजिटिव 1 को खत्म करने के लिए हर तरह मुझे -1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये -1 हो गया और यहाँ भी -1 ऐड कर दिया। उसके बाद देखें तो ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। 1 और 2 को आपस में कंपेयर कर देंगे, यानी कि -delta - 1 बेसिकली इक्वल होगा हमारे पास यहाँ से देखें तो -1.01 के, और यहाँ से delta - 1 इक्वल होगा -0.99 के। देख सकते हैं कि -delta - 1 इक्वल है -1.01 के, और यहाँ से हमारे पास delta - 1 इक्वल है -0.99 की जो ये वैल्यू है। अब यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकालें, और यहाँ से भी यहाँ से मेरे पास डेल्टा की जो वैल्यू हासिल होगी वो लिख देते हैं कि delta = 0.01, और यहाँ से भी डेल्टा की वैल्यू मेरे पास हासिल होगी = 0.01 के। तो किसी एक हालत में मेरे पास डेल्टा की जो वैल्यू हासिल होगी वो 0.01 होगी, क्योंकि डेल्टा उसने कहा था क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कि डेल्टा जो है पॉजिटिव होना चाहिए। ये देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 33 है कि एफ एक्स की वैल्यू दी गई एक्स के -4 / x - 2, और एक्स नॉट की वैल्यू दी गई है 2 के, एप्सिलॉन की वैल्यू दी गई 0.05 के। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने नंबर एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एल इज इक्वल टू लिमिट x → x0 f(x), ये हमारे पास फार्मूला क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है। तो एल इज इक्वल टू x - x0 की वैल्यू देखें 2 दी गई, तो यहाँ 2 पुट कर दिया, और f(x) की वैल्यू देखें दी गई है x² - 4 / x - 2। अब हम x² - 2 में अगर डायरेक्ट हमें देखें x की जगह यहाँ 2 पुट कर दूँ, यहाँ भी 2 पुट कर दूँ, तो मेरे पास इसका वैल्यू जो हासिल होगी 0 और 0 फार्मूला हासिल होगी, जो लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसी वजह से हमने क्या करना होगा कि ऊपर मैं से फैक्टर बना लेता हूँ कि x + 2 लिख सकता हूँ, और इसे मैं x - 2 लिख सकता हूँ। तो इस वजह से मैं इसके फैक्टर बना लेता हूँ, यानी कि x² - 4 को मैं लिख सकता हूँ x + 2 * x - 2, और नीचे x - 2 को मैंने वैसे लिख दिया। अब देखें x - 2 से x - 2 कैंसिल आउट हो जाते हैं, और नीचे जो मेरे पास बनेगा x + 2, यानी कि यहाँ x की जगह मैं लिमिट पुट कर देता हूँ 2, तो l की वैल्यू हमारे पास हासिल होगी 4 के।
अब हम स्टेप वन करते हैं। स्टेप वन में हमारे पास डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है कि मॉड्स एन एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड्स एन देखें लेस देन होता है डेल्टा के। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ये दी गई है, मैं पुट कर देता हूँ, ये मैंने पुट कर दिया और माइनस एल एल की वैल्यू देखें हमें जो फाइंड किया है फोर, ये फोर पुट कर दिया। लेस देन एप्सिलॉन की वैल्यू देखें 0.05 दी गई है वो मैंने पुट कर दिया। वाला फार्मूला होता है कि इसमें लिख सकता हूँ मैंने 0.05 लेस देन एक्स माइनस टू, देखें एक्स स्क्वायर माइनस फोर को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, और माइनस फोर को वैसे लिख दिया लेस देन 0.05 के। तो उसके बाद है कि एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये पॉजिटिव टू और माइनस फोर हमारे पास माइनस टू के इक्वल हो गए। उसके बाद देखिए अब मुझे क्या करना है कि इस माइनस टू को खत्म करना है, तो हर तरह मुझे पॉजिटिव टू ऐड करना पड़ेगा। जब मैं इसमें पॉजिटिव ऐड करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर 1.95 के इक्वल आएगा। लेस देन एक्स लेस देन इसमें जब मैं पॉजिटिव टू ऐड करूँगा तो इसका आंसर 2.05 के इक्वल होगा। अब ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर वन है। अब स्टेप टू करते हैं। स्टेप टू में हमारे पास फार्मूला होता है 0 लेस देन एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन होता है हमारे पास डेल्टा के। तो एक्स नॉट की वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है 2, तो ये 2 पुट कर दिया और लेस देन डेल्टा के। अब एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ करें कि माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस टू लेस देन पॉजिटिव डेल्टा के, यानी कि माइनस डेल्टा लेस डेल्टा के। और उसके बाद देखिए मैं इस माइनस टू को खत्म करने के लिए हर तरह मुझे पॉजिटिव टू ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए मैं माइनस डेल्टा प्लस टू लिखता हूँ, ये लेते हैं माइनस टू और पॉजिटिव टू कैंसिल आउट हो गया और ये लेते हैं डेल्टा प्लस टू हो गया। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर टू है। इक्वेशन नंबर वन और टू को बस में कंपेयर करेंगे तो 1.59 बेसिकली इक्वल होगा हमारे पास माइनस डेल्टा प्लस टू के। तो देखें ये इक्वल है, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू 0.05 निकलती है और यहाँ से डेल्टा प्लस टू इक्वल होगा 2.05 के। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से भी डेल्टा की वैल्यू 0.05 हासिल होगी। डेल्टा की जो वैल्यू हासिल होगी वो 0.05 की हासिल होगी, क्योंकि उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा था कि जो डेल्टा की वैल्यू आप हासिल करो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव है।